नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल जम्मू न्यूज और मैं हूँ अस्मिता। आइए आज के दिन भर की खबरों पर डालते हैं एक नजर। जम्मू कश्मीर सिविल सचिवालय में लगी आग एक घंटे बाद पाया गया काबू। अधिकारियों का कहना था कि बुधवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन की सीट सिविल सचिवालय परिसर के अंदर आग लग गई। सबसे पहले आग की लपटें ग्रामीण विकास विभाग के कमरे में देखी गई थी और आग तेजी से आसपास के कमरों में भी फैल गई। अधिकारियों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की मदद से एक घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत कथित आतंकी संबंधों वाले 5 सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं बर्खास्त कर दी। कर्मचारियों में शामिल जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही तौसिफ अहमद मीर, बारामूला पुलिस के सिपाही शाहिद हुसैन राथर, श्रीनगर के कंप्यूटर ऑपरेटर गुलाम हसन पैरी, अवंतीपुरा के शिक्षक अरशद अहमद दास और कुपवाड़ा के स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग अर्दली शराफत अली खान है। सिन्हा के केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में पदभार संभालने के बाद आतंकी संबंधों वाले 2 दर्जन से अधिक सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के रैनावाड़ी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस का कहना था कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं और उनके पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकी स्थानीय ही थे और इसमें से एक आतंकी की पहचान जो है वो रईस अहमद भट्ट के रूप में हुई है, जो एक पूर्व पत्रकार था। वह अनंतनाग में एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल वैली न्यूज सर्विस चलाता था। उसके पास से प्रेस कार्ड मिला है। तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। श्रीनगर सत्र न्यायालय ने बुधवार को आतंकवादी बिट्टा कराटे की सुनवाई स्थगित कर दी, जिसने 1990 के दशक में 40 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या करना स्वीकार किया था। कश्मीर घाटी में अनंतनाग के पहले पीड़ितों में से एक सतीश टिकू के परिवार द्वारा दायर एक याचिका के बाद 31 साल बाद मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई। कोर्ट इस मामले में 16 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगा। वहीं जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कश्मीरी पंडितों और अन्य आतंकी पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने के लिए माफी मांगने की मांग की। 1990 के दशक में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और भाजपा के बीच वाकयुद्ध के बीच ये मांग आई है। विधानसभा में अपने भाषण के दौरान केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों के हंसने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, देश और समुदाय उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन्हें अपनी टिप्पणी और बॉडी लैंग्वेज के लिए तुरंत राष्ट्र और समुदाय से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। रैना ने कहा कि कश्मीरी पंडित राष्ट्रवाद के राजदूत हैं और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2022 में पर्यटन क्षेत्र में कई रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। इस साल की पहली तिमाही में ही कश्मीर घूमने आने वाले पर्यटकों की संख्या 3 लाख पार हो चुकी है। जून तक घाटी के होटल, गेस्ट हाउस, हाउस बोट आदि एडवांस बुकिंग के कारण पूरी तरह पैक हो चुके हैं। 28 मार्च को श्रीनगर एयरपोर्ट से 15,000 से अधिक यात्रियों ने हवाई सफर किया। इसके अलावा घाटी के विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन में भी पहले सप्ताह में 90,000 सैलानियों ने भ्रमण किया। आप जुड़े रहिए उज्जवल जम्मू न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।